यूपी में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि वाराणसी में आज सुबह से बारिश हो रही है। बुधवार यानी 20 जुलाई को कई जिलों में बारिश हुई, तो वहीं लखनऊ में भी दोपहर बाद तेज बारिश हुई। सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश उरई में रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में भी 60 मिलीमीटर और लखनऊ में 52.3 मिलीमीटर पानी बरसा। इस बीच 10 जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 16 लोगों की जान भी चली गई। सबसे अधिक मौतें बांदा में हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को 28 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने के लिए भी कहा है। वहीं वाराणसी में गुरुवार सुबह जोरदार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि बुधवार की रात से वाराणसी में 17 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। गुरुवार सुबह वाराणसी में पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। वहीं हवा भी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है। वहीं भीषण गर्मी के बीच आज सुबह से ठंड जैसा एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पूरे दिन वाराणसी में बारिश हो सकती है। तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मानसून के बादल अब लगातार एक्टिव रहेंगे या बारिश 2 दिन तक ऐसे ही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।